हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर रेसिपी है ये। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये तिरंगा रेसिपी है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप हमारा ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटोरी सूजी। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। और जिस कटोरी से मैंने सूजी डाला हुआ है उसी कटोरी से आधा कटोरी दही डाल देंगे। और अब हम पानी डालेंगे, उसी कटोरी से 1 कटोरी पहले हम पानी डाल रहे हैं और इसे मिलाएंगे। 1 कटोरी और पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। बस इतना ही पानी हमारे नाश्ते के लिए सही है, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। सूजी को मिलाने के बाद 5 मिनट तक के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं सूजी को। और ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी फूल गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इनो। 1 चम्मच मतलब 1 पाउच, 1 पाउच में 1 चम्मच ही इनो रहता है। इसको हम पूरा डाल देंगे और इसे डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। और अब हमें इसका 3 भाग कर लेना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन कलर ले लिया है अजंता का, इसको मैं इसमें डालने वाली हूँ। पहले हम एकदम हल्का सा 1 चुटकी ग्रीन कलर इसमें डालेंगे 1 बाउल में। और अब हम इसे अच्छे तरह से मिलाएंगे। अभी इसका पूरा कलर नहीं आया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैंने और ग्रीन कलर मिला दिया है और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर मैंने केसरी कलर ले लिया है, आप देख सकते हैं। 1 बाउल में मैंने हरा कलर मिला दिया है और 1 बाउल में केसरी कलर मिलाएंगे। एक बार में हमें ज़्यादा कलर नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा 1 चुटकी डालकर इसी तरीके से मिलाएंगे। और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसे तो मैंने केसरिया कलर बनाने के लिए डाला था, ये पीला कलर हो गया। ग्रीन कलर भी मेरा थोड़ा हल्का कलर है, इसमें मैंने फिर से 1 चुटकी ग्रीन कलर डालकर इसको अच्छी तरह से मिला दिया है। और इस पीले कलर को केसरिया कलर बनाने के लिए, और अब मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज रेड, अजंता का ऑरेंज रेड कलर, यही मैं इसमें डालने वाली हूँ। हल्का सा यही ऑरेंज रेड कलर डाल देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा केसरिया और हरा कलर दोनों बनकर तैयार हो गया है। और अब हमें लेना है 1 जालीदार बर्तन। मैंने यहाँ पर स्टीम कुकर का ये मेकर लिया हुआ है। अगर मैं आपके पास स्टीम कुकर नहीं है तो आप कोई भी जालीदार बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि इसे मैं स्टीम कुकर में बनाने वाली हूँ। आप इस रेसिपी को कढ़ाई में भी स्टैंड लगाकर जालीदार बर्तन में बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें चारों तरफ से तेल लगा दिया है। और यहाँ पर हमारा पानी भी बॉयल होने लगा है। इसके ऊपर ये मेकर रखने के बाद सबसे पहले हम ग्रीन कलर वाला सूजी इसमें डालेंगे। सूजी को डालने के बाद इसे हमें मोटा ही फैलाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसी तरीके से मोटा ही फैलाना है। इसे फैलाने के बाद इसे बंद करके 2 मिनट तक के लिए स्टीम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक के लिए। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स,
ये सूजी ऊपर से हल्का हल्का सूख गया है। और अब हम इसके ऊपर से वाइट कलर वाला सूजी लगाएंगे जो मैंने बड़े बाउल में बचा के रखा हुआ था, और इसको भी डालकर इसके ऊपर ही हमें फैलाना है, अगल बगल नहीं फैलाना है। उतना ही मोटा हमें करना है जितना मोटा मैंने हरे कलर को किया है, उसी तरीके से और उसी के ऊपर से फैला देंगे और फिर से इसे बंद कर देंगे और 2 मिनट तक के लिए स्टीम करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, ये भी सूजी हमारा ऊपर से हल्का हल्का सूख चुका है। और अब हम इसके ऊपर से केसरिया कलर डाल देंगे और इसको भी डालकर उसी तरीके से मोटा मोटा फैलाना है हमें, ज़्यादा पतला नहीं करना है, उसी के ऊपर ही फैलाना है, अगल बगल बिल्कुल नहीं करना है। और अब इसको फैलाने के बाद स्टीम कुकर को बंद कर देंगे और लगभग 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। 10 मिनट हो गया है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। एक चाकू लेंगे और उसको इस तरीके से देखिए डालकर देखेंगे। चाकू एकदम सूखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा नाश्ता अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम नाश्ते को निकालकर 2 मिनट तक ठंडा करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे, देखिए इस तरीके से। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पलट दिया और ये कितनी आसानी से निकल गया है हमारा तिरंगा कलर, कितना अच्छा लग रहा है, ये खूब अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है हमारा नाश्ता। और अब हम इसे बर्फी के शेप में कट करेंगे, आप अपने मनचाहे आकार में इसे काट कर तैयार कर सकते हैं, मैं इसी तरीके से कट कर रही हूँ। सिर्फ एक बार फ्रेंड्स आप हमारा ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत आसानी से कट जा रहा है और एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। चलिए मैं आपको ये नाश्ता निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है हमारा तिरंगा नाश्ता, आप भी ट्राई करिए फ्रेंड्स हमारा ये रेसिपी। अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, अभी थोड़ा काम बाकी रह गया है। चलिए अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। नाश्ते को काट के रखने के बाद यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद इसी में थोड़ा सा सरसों दाना और थोड़ी सी कड़ी पत्ती डालकर फ्राई कर लेंगे और इसे जो मैंने नाश्ता बनाकर रखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें चीनी का सीरा भी बनाकर डाल सकते हैं। और अब हमारा नाश्ता पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस नाश्ते को आप धनिया की चटनी, मूंगफली की चटनी या फिर सत्तू की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने तो फ्रेंड्स आज सत्तू और मूंगफली की चटनी दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है। फ्रेंड्स एक बार आप हमारा ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।